हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनिशा ब्लाउज डिजाइन। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ सिंपल सा प्रिंसेस कट हम कैसे कट करेंगे उसके बारे में। तो चलिए हम पहले अस्तर पे कट कर लेंगे। तो जो ब्लाउज का बैक साइड है, पहले मैं बैक साइड कट कर रही हूँ। तो हमारा जो लेंथ है ब्लाउज का वो है 12 इंचेस, यानी 12 इंचेस रेडी है। तो इसमें हम लोग 1 इंचेस बढ़ाते हुए 13 इंचेस पे यहाँ पर एक मार्जिन कर लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंचेस, बैक नेक इसका डीप रहेगा। तो 5.5 इंच यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 5.5 पर। मुंडा घेर के लिए भी हम लोग 5.5 इंच ही रखने वाले हैं। सो गाइस, चेस्ट जो है वो 28 है, तो 28 को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है। और उसका फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये है 7 इंचेस। इसमें हम जो है 2 इंचेस हम लोग इसमें प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और यहाँ से हमें सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये बैक साइड है, यहाँ पर हम लोग जो है लेंगे 1.5 इंचेस और यहाँ पर एक राउंड कर्व बना लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारा बैक साइड, जिसकी लंबाई जो थी 12 इंचेस थी, उसमें मैंने 1 इंचेस बढ़ा के 13 इंचेस का ये लंबाई हुआ। 5.5 इंचेस का मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है, अगेन 5.5 इंचेस का मैंने यहाँ पर मुंडा लिया है, और चेस्ट जो है चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेकर उसमें 2 इंचेस मैंने मार्जिन। तो अब हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट जो कि हमारा प्रिंसेस कट है। तो इस प्रिंसेस कट में जो है मैं योक पट्टी नहीं लगाने वाली हूँ, डायरेक्टली जो विदाउट योक वाला होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जितनी लंबाई हमने पीछे सी ली, पीछे का पार्ट का लिया है, उतना ही फ्रंट का भी लेंगे 13 इंचेस। यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। चेक करना है निशान आपका स्ट्रेट है या नहीं। अगेन 5.5 इंचेस पे शोल्डर का एक निशान, यहां से 5.5 इंचेस मुंडा घेर, मुंडे का निशान आर्म होल के लिए, और यहां से अगेन चेस्ट का फोर्थ पार्ट और प्लस 2 इंचेस उसमें हमें लेना है। तो अब बहुत ही इजी वे में हम मैं आपको बताने वाली हूँ। यहां से हम लोग लेंगे आर्म होल के लिए फ्रंट पार्ट है, इसमें मैं 1 इंचेस लूंगी। यहां से थोड़ा सा अंदर आते हुए यहाँ पर एक राउंड सर्कल बना देंगे जो कि हुए हमारा आर्म होल है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बैक साइड का नेक है जो है वो 2.75 इंचेस पर लेने वाले हैं। ये मैं शुगर पेपर पर कट करने वाली हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको निशान बनाकर दिखाऊंगी। आगे का भी जो है फ्रंट का 2.75 इंचेस पे बनाने वाली हूँ। फ्रंट का नेक जो रहेगा वो 7 इंचेस है। यहाँ पर एक राउंड ड्रॉ करेंगे और अब हम लगाने वाले हैं प्रिंसेस कट का टक्स पॉइंट। यहाँ से मिडल से हमें टक्स पॉइंट लेना है 9 इंचेस। मेरा जो मेजरमेंट है जिस साइज का मैं ब्लाउज बना रही हूँ उसका मैंने टक्स पॉइंट निकाला है, तो ये 9 इंचेस पर आता है। वहाँ पर एक निशान लगाना है आपको, और यहाँ से जो है आपको बंद बाजू जो है वहाँ से आपको 3.5 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे। यहां से अब मैं टक्स लेने वाली हूँ 2 इंचेस का, यहां से 1 इंच, यहां से 1 इंच टक्स बनाना है आपको, टक्स को ड्रॉ करना है आपको। ये जो प्रिंसेस कट है इसे मैं कट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। और ये जो है टक्स आपको इस साइड में एक मिलाना है, जैसे हम लोग 4 टक्स वाला ब्लाउज करते हैं उसी हिसाब से ये है। यहां से हम जो एक टक्स मारते हैं, टक्स जो लेते हैं उसी को आपको ऐसे करते हुए राउंड में मिलाना है। ये हो गया आपका प्रिंसेस कट। अब ये जो 2 इंच जो है इसे मैं कट नहीं करने वाली हूँ, तो ये जो 2 इंच है वो ये मार्जिन हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाकर लेने वाले हैं। ये हो गया आपका फ्रेंसिस कट, अब हम इसे कट करेंगे।
ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट। अब यहाँ पर हम इसे टक्स लगाते हुए स्टिच करेंगे और ये जो है वो पैडेड होने वाला है तो इसमें पैड अटैच करने वाली हूँ। इसे पैड लगाएंगे इसमें तो और भी खूबसूरत दिखेगा। ठीक है, अभी हमने जो भी अस्तर लाइनिंग पर जो भी प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग किया है वो अब मैं मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर रही हूँ। सो गाइज ये हमारी जो प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है। मैंने अभी ये जो भी प्रिंसेस कट था उसमें अस्तर अटैच कर लिया है तो अभी ये जो प्रिंसेस कट बना हुआ है उस पर हम एक स्टिच लगा लेंगे। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे ये टक्स बना हुआ है उसी को आपको ये करते हुए यहाँ रुक कर फिर यहाँ से जो है छोटा छोटा बनाना है, इतना ही हमें सिलाई में लेना है, ज़्यादा सिलाई में नहीं लेना है, इतना ही सिलाई में लेना है हमें। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इस साइड से करेंगे आपका प्रिंसेस कट। इसमें अगर आप पैड लगाते हो तो देखिए कितना अच्छा ये प्रिंसेस कट आता है। तो ये सिंपल वाला प्रिंसेस कट है, दूसरे वाले में भी आपको करके बताती हूँ। ये हो गया दूसरा पार्ट। दोनों के पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। इसमें अगर हम इसे पैड अटैच करते हैं देखिए कितना मस्त है प्रिंसेस कट बन के रेडी हो गया है। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके आपको मेरा वीडियो कैसे लगा।